शक। दोस्तों कल मेरे पापा का बर्थडे था, आज मैं अपने दोस्तों के लिए केक लाई हूँ। रियली मिनी बॉस, तुझे इतनी सुंदर है ना, इतनी स्वीट भी है। लेकिन क्या क्या एक सेकंड, ब्लैक फॉरेस्ट या पाइनएप्पल? मिनी मैं तेरा सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ, सबसे बड़ा और सबसे पहले पीस मुझे चाहिए, प्रॉमिस कर। जब देखो तब खाने का टेस्ट का तरीका ढूंढता रहता है। तुझे पता नहीं है केक ज्यादा खाने से मोटे हो जाते हैं, और अगर मोटे हो गए तो ड्रेस फिट नहीं आएगी। तू मेरी टेंशन छोड़, और तुझे तेरी फिगर की इतनी पड़ी है ना, तू केक मत खा, तेरा केक भी मुझे दे देना, ठीक है? मिनी तू इन दोनों की छोड़, और जल्दी से जाकर केक ले आ। मैं अभी केक लेके आ। मैं तेरे सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ, और सबसे पहला केक पर मेरा बनता है। विशु तू यही रुक जा, मैं पहला बाइट अभी को खिलाना चाहती हूँ। रहने देना मिनी, तू पहला बाइट विशु को खिला दे, वैसे भी वो हमारे ग्रुप का लीडर है। क्यों विशु? ओए तो समझदार होता जा रहा है। नहीं अभी मैं पहला बाइट तुझे ही खिलाऊंगी। यहाँ पर पार्टी चल रही है और हमें खबर भी नहीं। इन लल्लुओं को छोड़ मिनी, केक तो पहले हम ही खाएंगे। चिंटू पिंटू रुक जाओ, ये मैं अपने दोस्त के लिए लाई हूँ, समझा? ये देखो थोड़ा ही बचा है, ले तू का। ओए कुछ गड़बड़ लग रही यार। हाँ मुझे भी कुछ एलर्जी जैसा लग रहा है। ओए चुराए वो माल ना हजम नहीं होता है। अभी तेरी गले पर भी चॉकलेट का धब्बा है। ये सब क्या हो रहा है? हमें ये सब तूने ही किया ना मिनी, जानबूझ के। तभी तुमने खुद नहीं खाया, बता क्या मिलाया है तूने इसमें? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया, मुझे तो पता भी नहीं ये सब कैसे हुआ।
कुछ नहीं किया। एक दोस्त कभी भी दूसरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लगती है। मिनी, तूने जिस बैग में केक लाया ना, वो बैग दिखा जल्दी। तुम सब की ये हालत मैंने की है। तुम्हारे केक में थोड़ा सा अपना जहर मिला दिया। छह घंटे में तुम सब चॉकलेट के बन जाओगे। फिर सिर्फ सूर्यास्त का इंतजार, जब दिन की गर्मी में चॉकलेट की तरह अंग अंग पिघल जाएगा तुम्हारा और खत्म हो जाओगे तुम। हम चॉकलेट के बन जाएंगे। ओह माय गॉड, ये खतरनाक खेल हमारे साथ किसने खेला है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? क्या आप ही ने किया है? इतने सारे सवाल, वैसे इन सब के जवाब ना तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे। रुकिए, जब तक आप हमें ठीक नहीं कर सकती, आप यहां से नहीं जा सकती। अब हम क्या करेंगे? अभी मिनी तूने कुछ नहीं किया है। दोस्तों, हमें जल्दी से हवेली जाना होगा। और मिनी तू भी जल्दी अपने घर जा। चलो चलो जल्दी जल्दी निकलो। डैड कब आएंगे? अभी ओए, मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था मैं चॉकलेट से डरूंगा। सिर्फ वही डर नहीं है विशु, हमारे हाथ, गर्दन और माया के पैर पर भी चॉकलेट लगी है। और अगर मम्मी ने देख लिया, मेरी परेशानी डबल हो जाएगी। बच्चों, आंटी, ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? आंटी आ रही है कुछ तो। ओए, हम वो पर्दे के पीछे छुप जाते। इडियट, अगर हम पर्दे के पीछे छुपेंगे तो पैर तो दिखेंगे ना। हाँ दोस्तों, जल्दी से वहाँ बैठो। और मैं, तू वहाँ पर बैठ, अपने पैर टेबल के नीचे छुपा ले। जल्दी जल्दी जल्दी, पर करेंगे क्या? अरे बैठो। तुम सब यहाँ हो? वो मम्मी, आज बहुत सारा काम है ना। काम मतलब बहुत ज्यादा होमवर्क है क्या? हाँ आंटी, काम बहुत ज्यादा है और सिर्फ 6 घंटे बचे। 6 घंटे मतलब? अब आंटी, इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास खाना खाने जितना भी वक्त नहीं है। ओहो विशु, तुम भी ना, तुम सब चिंता मत करो, तुम आराम से बैठकर यहाँ पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आती हूँ, ठीक है? थैंक गॉड, पापा आ गए। क्या हुआ बच्चों, तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए? अगर रंग नहीं उड़े हुए, रंग बदल रहे। ये देखिए। ये देखो। कैसे कैसे बच्चों? रुकिए रुकिए, ये लीजिए। वो एक औरत थी पर हम उसका चेहरा ही नहीं देख पाए। सिर्फ हम ही नहीं अंकल, चिंटू पिंटू ने भी केक खाया था और वो भी चॉकलेट बन रहे। बच्चों, ये इमरजेंसी का मामला है, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। पर पापा, वो औरत कौन थी? मैं नहीं जानता, ऐसी औरत के बारे में ना कभी जिक्र सुना ना कभी देखा। बच्चों, तुम उस औरत के बारे में पता लगाओ, मैं रुक्मणी को संभालता हूँ। ठीक है, चलो
चॉकलेट का खेल है उसका निराला, जिससे भिड़ जाए उसको पिला दे चॉकलेट का प्याला। जो को जिसे भी पिला दे चॉकलेट का प्याला, पीने वाला बन जाए चॉकलेट का पुतला निराला। आए कहां से जाए कहां को समझ में नहीं आए ये घोटाला। इसका रहस्य जो जानना चाहे वो जादू की किताब में गोते खाए। रद्दी पेपर, मामला बहुत सीरियस है। ये तो पता था कि उसका नाम क्या है? गाइस, ज्ञान पांडे जी को नहीं पता है, इसलिए तो हमें जाने किताब में ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। चलो दोस्तों, इसमें चॉकलेट के जादू के बारे में लिखा है कि उसकी जानकारी हमें जादू की किताब के दूसरे भाग में मिलेगी। दूसरा भाग? अब ये हमें कहाँ मिलेगा? ओए, वैसे भी सिर्फ 5 घंटे बचे और 5 घंटे के बाद हम सब पूरे चॉकलेट बन जाएंगे। हमें इसके बारे में खुद ही एक आइडिया सोचना पड़ेगा। किसी तरह से पता चल जाए कि वो औरत हमसे क्या चाहती थी तो शायद हमें थोड़ी मदद मिले। हाँ, चॉकलेट तो सबको पसंद है, लेकिन उसे हमें चॉकलेट बनाकर क्या मिलेगा? चॉकलेट बनाकर नहीं विशु, पिघलाकर। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, वो हमें पिघलाना क्यों चाहती है? बच्चों चलो, बहुत पढ़ाई हो गई, अब खाना। अरे कहाँ चले गए? अभी यहीं तो थे। लगता है होमवर्क करने किसी और कमरे में चले गए होंगे। अभी विशु, कहाँ हो तुम सब? रुक्मिणी, लगता है बच्चों को ढूंढ रही है। पिघलाकर उसे क्या मिलेगा? पिघलाकर? गाइस, अगर उसने मुझे पिघला दिया तो मेरे शरीर से रुद्र की मायावी चाबी बाहर निकल जाएगी। ओ, मतलब वो औरत ये मायावी चाबी के लिए कर रही है? हाँ, वो गुरुकाल से मिली हुई है और उसने हमें चॉकलेट बनाने के लिए मिनी के केक में अपना जहर डाल दिया। और उसके जहर का घाट ढूंढने के लिए हमें जादुई लोग जाना होगा। जादुई लोग? हाँ माया, सोचो जादुई लोग में ताला लोग है, खिलौना नगरी है, तो उस औरत का चॉकलेट लोग भी तो वहीं पर होगा ना। मैं मिलेगी वो औरत और उसके जादुई सर का काट। सारी हवेली छान मारी पर बच्चे कहीं नहीं मिले। कहीं वो जादुई कमरे में तो नहीं? रुक्मिणी, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चों को ढूंढ रहे हो आदित्य, मुझे लगता है मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो जादुई कमरे के अंदर चले गए। वहाँ क्यों होंगे रुक्मिणी? हवेली में होंगे या फिर कहीं बाहर होंगे। रुक्मिणी, तुम्हें पता है ना, ये दरवाजा सिर्फ माँ ही खोल सकती है। माँ जी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कमरे में खाना ठंडा पड़ा है बच्चों का। बच्चे कहाँ हैं? माँ जी, वो शायद इस कमरे में, आप ये दरवाजा खोलकर उन्हें बुलाइए ना। अच्छा अच्छा, जरा हटो तो। रुक्मिणी, लगता है ये चाबी इस दरवाजे की नहीं है, वो तो दूसरे गुच्छे में है। रुक्मिणी, तुम भी क्या, जब दरवाजा बंद है बाहर से तो बच्चे अंदर कैसे हो सकते हैं? सुन लिया, अब बच्चे बिना चाबी के दरवाजा कैसे खोलेंगे? रुक्मिणी, ओए, हम जादुई लोग तो आ गए पर हम चॉकलेट लैंड ढूंढेंगे कहाँ? टाइम भी नहीं है यार, और चॉकलेट हमारे पैर तक पहुंच गई है। मेरे पास एक आइडिया, अगर ये चॉकलेट लैंड है तो जिनसे चॉकलेट बनती है कोको के पेड़, वो भी तो होंगे।
और उनकी खुशबू भी तो होगी ना। सही कहा अभी, यही आइडिया मैं भी देने वाला था। पर ये कोको के पेड़ दिख भी नहीं रहे हैं ना, इनका माया तू ठीक तो है? तू बोलते बोलते रुक क्यों गई? मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, लगता है कि ये उस जादुई जहर का असर है। हमने तुझसे पहले खाया था ना, इसलिए मैं पहले हो रहा है। तुम दोनों यही रुको, मैं तुम दोनों के लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। माया अभी तुम लोग सोना मत, ठीक है? अभी आरिया पार जीते उसकी रफ्तार। सच सच बताइए आदित्य, कहाँ हैं बच्चे? अरे तुम दोनों यहाँ बहस कर रहे हो और वहाँ तीनों बच्चों चिंटू पिंटू के घर चले गए। चिंटू पिंटू के घर ऐसे कैसे जा सकते हैं? उन्होंने तो कहा कि उनके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं और उन्हें बहुत सारा होमवर्क मिला है। अच्छा, तभी उन्हें लगा कि तुम डांटोगी, तभी तो बिना खाना खाए चले गए। कह रहे थे चिंटू और पिंटू के यहाँ प्रोजेक्ट करने जा रहे। ये बच्चे भी ना, कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। खैर मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। अभी डेड होना था। अरे बहू, बच्चे आ जाएंगे। और तेरा अभी गया तो आदित्य पर ही है ना, कहो कुछ तो करता कुछ और ही है। सब तेरी गलती है। मेरी गलती? और नहीं तो क्या, इतना प्यार करती है आदित्य को कि इसी का डुप्लीकेट भी पैदा कर दिया। चॉकलेट्स? पर ये पेड़ तो नारियल का है, चॉकलेट्स किसने गिराई होगी? शायद कहीं गिरा कर चला गया होगा। पर यहाँ पर रहता कौन होगा? अगर थोड़ी और चॉकलेट्स गिरेंगी तो मजा आ जाएगा। पर चॉकलेट्स गिराएगा कौन? यहाँ पर तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला है। चलो, पेड़ पर चॉकलेट्स, इसका मतलब ये चॉकलेट्स घोंसले से गिरी है। घोंसले से? मतलब वो औरत घोंसले में रहती होगी? नहीं विशु, वो औरत नहीं, और जो तुमने पंछी देखे थे ना, मुझे तो लगता है वो पंछी अपने बच्चों को खिलाने के लिए दाने नहीं चॉकलेट्स लाए थे। कितनी ऐसे इन पंछियों की खाने के लिए चॉकलेट मिलती है, काश मुझे भी मिला करती। तू खुद चॉकलेट बन रहा है और तुझे खाने की सोच रही है, वो भी चॉकलेट। माया तुझे भी तो अपने फैशन की बड़ी रहती है ना, वो चॉकलेट बन गई थी हो जाऊंगा, मैं चॉकलेट बन गई तो वो हो जाऊंगा। दोस्तों अपना झगड़ा बंद कर दो प्लीज, मेरे पास चौको कोको तक पहुंचने का एक आइडिया है। क्या सच में अभी? हाँ विशु, तू ना अपना स्केटबोर्ड निकाल और हमें उस नारियल के पेड़ तक ले चल। हाँ चलो। विशु जैसे वो सारे पंछी उड़े तो उसी स्पीड में अपने स्केटबोर्ड पर उनके साथ चलना, ठीक है? ओए मुझे ये रेस तो बहुत पसंद है, मुझसे होगा क्या? इडियट, हम ऐसा करने से वहां पहुंचेंगे जहां से पंछियों को चॉकलेट मिली थी। हाँ और भाइयों को चॉकलेट लग,
यहाँ पे मिलेगी चोको गोको। मेरे जहर को रोक सको तो रोको, नाम है मेरा चोको गोको। अभी तुम मुझे ढूंढकर क्या करोगे? पहले अपने आप को चॉकलेट बनने से तो रोको। चोको गोको? हाँ, तुम सबका चॉकलेट बनकर पिघलना तो तय, और वो माया भी चाहती उसे तुम्हें हासिल करो। अगर तुम अपने दोस्तों की जान बचाना चाहते हो तो अब इसी वो चाबी मुझे दे दो। मेरा अंदाजा सही था, तुम गुरुकाल के साथ मिली हुई हो। वो भी जानती नहीं है चोको गोको। की रक्षा कर, मारी चाबी तुम्हारे हाथ कभी नहीं पड़ने देंगे, ना उस गुरुकाल के। ये मौका तो तुमने खो दिया। अब अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए ना, तो जहां मुझे चॉकलेट का पिघला हुआ ढेर दिखेगा, मैं वहीं से चाबी लेगा। तुम सबको बहुत बहुत तड़पा, अंग अंग पिघला। जल गई। अब हम चोको गोको को कैसे ढूंढेंगे?